नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर बॉक्स क्रिएशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉर्गेटेड बॉक्स को बनाने के लिए कितने मशीन की जरूरत होती है। कॉर्गेटेड बॉक्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा एक समान बना रहे, क्योंकि 90% कंपनी को गत्ते के बने बॉक्स की जरूरत होती है अपने सामान पैकिंग करने के लिए। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, बिना देर लगाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस हैंड रोल कटर मशीन की। दोस्तों, इस तरह का स्टैंड होता है और इसी पर हम पेपर को चढ़ा के इस तरह से हैंड रोल कटर की मदद से पेपर को काट लेते हैं। दोस्तों, इसकी मार्केट में कीमत 70,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक है। दोस्तों, जिस तरह का हमारा साइज होता है कटर का, उसी तरीके का रेट लगता है। आप मार्केट से अपने हिसाब से भी कटर मशीन बनवा सकते हैं। दोस्तों, इसमें दो ब्लेड लगी रहती है, एक नीचे और एक ऊपर। दोस्तों, हमने इसका वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप देख लेंगे कि ये किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से इसमें ब्लेड को कसते। पेपर को काट लेने के बाद अब इसे हम प्रिंटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने फर्मा बांध लिया है और पेपर पर एक ही जगह प्रिंट हो, इसलिए हमने 3 पिन को बांध लिया है। एक पिन यहाँ पर, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। पहले पेपर को हम इस तरह से उल्टा करके प्रिंट कर लेते हैं। यह प्रिंटिंग बिल्कुल साफ आ रहा है। अब दोस्तों, हम इसे सीधे की तरफ से सारे पेपर को प्रिंट कर लेते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर किस तरह से मैटर को उठाते हैं, किस तरह से स्क्रीन को एक्सपोज किया जाता है, हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप देख लेंगे कि इस स्क्रीन को कैसे खोला जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, इस तरीके से हम सारे पेपर को प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसका दूसरा मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से हम इस पेपर को पेस्ट करेंगे। इस शीट को हम 5 प्लाई में बनाएंगे। दोस्तों, तो हमने पेपर को प्रिंट कर लिया है, सारे पेपर को इस तरह से। अब चलते हैं दोस्तों, इसी कटर मशीन पर हम 2 प्लाई के रोल को भी काट लेते हैं। यह 2 प्लाई का रोल है दोस्तों, यह 46 इंच का है। हमें दोस्तों इस डब्बे को बनाने के लिए 23 इंच चाहिए, तो हमने इसे डबल में मंगा लिया है और इसको हम इस कटर मशीन पे काटेंगे। इसको हमने स्टैंड पर चढ़ा लिया है। ये दोनों रोल को हम इकट्ठा काट लेते हैं। इस कटर मशीन पर समय समय पे धार लगवाना पड़ता है, जिस तरह से हमारा धार खत्म हो। दोस्तों, इसमें धार लगवाने का खर्चा 700 रुपये है। जब ये इकट्ठा कट जाता है तो इसे 20 से हाफ कर देते हैं। अब हम इसे पेस्टिंग मशीन पे पेस्ट करें। तो चलते हैं दोस्तों, इसका दूसरा मशीन पे, जहां हम इसे पेस्ट करें। सारे फल्ली को पेस्टिंग मशीन पर लगा दिया गया है। दोस्तों, इसमें इस तरह से देखिए, नीचे नालीदार होती है, इसी नाली में गोंद लगता है और इसे हम पेपर पर चिपका देते हैं, तो ये पेस्ट हो जाता है। जब इस फल्ली को पेस्टिंग मशीन से निकाला जाता है तो इसके नीचे वाले लेयर में गोंद लगती है और इसे हम इस तरह से चिपका देते हैं। दोस्तों, एक पेपर लग रहा है और इसमें 2 नालीदार फल्ली लग रही है, तो इस तरीके से यह 5 प्लाई हो जाता है, क्योंकि ये नालीदार रोल जो होता है वो 2 प्लाई का होता है। तो हम सारे को पेस्ट कर लेते हैं, फिर इसका दोस्तों तीसरा मशीन पर आपको ले चलेंगे। दोस्तों, इस पेस्टिंग मशीन की कीमत मार्केट में 1,00,000 रुपया से लेके 2-3 लाख रुपया तक हो सकता है। दोस्तों, इसका भी साइज अलग अलग होता है, उसके हिसाब से हमारा रेट इसमें जुड़ता है। इस तरीके से
सारे शीट को पेस्ट कर लेने के बाद अब हम इसे तीसरे मशीन पर लेके चलेंगे जो कि है रोटरी मशीन। दोस्तों यह पेस्टिंग मशीन में जो गोंद यूज होती है वह मार्केट में 6 रुपये किलो मिलता है। तो इस तरीके से ये व्हाइट कलर का होता है, इसे हम पेस्टिंग गम कहते हैं। यह 110 लीटर का ड्रम में आता है और यह 6 रुपये किलो मिलता है। दोस्तों इसमें मेंटेनेंस का खर्चा कुछ नहीं आता है क्योंकि ये हमेशा एक ही सामान रहता है ये मशीन। यह रोटरी मशीन, यहाँ से हम सीट पे क्रीचिंग लगाते हैं, जैसा हमारा साइज होता डब्बे का उसी के हिसाब से इस पर हम क्रीचिंग लगा देते हैं। दोस्तों ये पहले हम डब्बे का हेड को निकाल रहे हैं, तो दोनों तरफ हमने बांध लिया है इसका फ्लैप, ये इसका हेड निकल चुका है। इस मशीन की कीमत मार्केट में 1 लाख रुपया से लेके 2-3 लाख रुपया तक है। तो दोस्तों हमने हाइट को निकाल लिया है, हाइट पर इस तरह से क्रीचिंग लगा लेने के बाद अब दोस्तों बॉक्स की हम लंबाई चौड़ाई को बांधेंगे। तो हमने सबसे पहले इस चौड़ाई को बांध लिया है, इसकी चौड़ाई दोस्तों 11.5 इंच है और इसकी लंबाई 13 इंच है और इसका फ्लैप दोस्तों हम ये 1.25 इंच का फ्लैप को बांधते हैं जहाँ से सिलाई की मार्जिंग हो। बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई और फ्लैप मिलाकर इसका कटिंग साइज हो जाता है 26 और यहाँ से दाब के हिसाब से हम इस पर प्रेशर डाल देते हैं, जैसे 5 प्लाई में अलग प्रेशर और 7 प्लाई में अलग प्रेशर, और फिर लंबाई चौड़ाई को भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमने इस तरीके से निकाल लिया दोस्तों। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई 11.5 इंची है और इसकी लंबाई 13 इंची है और यह फ्लैप हमने जो बांधा था चौड़ाई का आधा, ये चौड़ाई का आधा फ्लैप हो जाता है और इसका हाइट दोस्तों 11 इंची है और इधर भी फ्लैप दोस्तों आधा है इसका चौड़ाई का। तो इस तरीके से लंबाई चौड़ाई को भी निकाल लेते हैं। रोटरी निकल जाने के बाद अब हम दोस्तों इसको चौथे मशीन पर ले चलेंगे जिसका नाम है स्लॉट मशीन। दोस्तों यह मशीन में ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता है, बस इसमें धार लगवाना पड़ता है 6-7 महीने में। तो चलते हैं स्लॉट मशीन पर। हमने दाब के हिसाब से स्लॉट मशीन को बांध लिया है, अब दोस्तों इसका पीछे वाला ठोकर सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ से जहाँ से ये मुड़ा है यहाँ तक हम इसको काटेंगे, तो उसको इस तरह से आगे बढ़ा लेते हैं और इसे सेट कर लेते हैं। दोस्तों यह स्लॉट मशीन की कीमत मार्केट में 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपये तक हो सकती है। इस स्लॉट मशीन की ब्लेड को किस तरीके से सेट किया जाता है हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जहां से आप देख लेंगे किस तरह से ब्लेड सेट किया जाता है। यह स्लॉट मशीन अब सेटिंग हो चुका है, अब हम सारे शीट को काट लेते हैं। यह मशीन में भी ज़्यादा मेंटेनेंस खर्चा नहीं होता है, बस इसके ब्लेड में धार लगवाना पड़ता है, जैसे धार अगर ख़त्म हो जाता है तो हम इस पर बस धार लगवा देते हैं। यह सारा स्लॉट काट लेने के बाद हम इसे लेके चलते हैं दोस्तों अब इसका लास्ट मशीन पे जो कि है स्टिचिंग मशीन। दोस्तों यहाँ से हम स्लॉट कटे हुए शीट को सिलाई कर लेते हैं तो ये डब्बा कंप्लीट हो जाता है।
यह सिलाई मशीन की कीमत मार्केट में 70,000 रुपये से लेके 1-1.5 लाख रुपये तक है। तो दोस्तों, यह 5 मशीन को लगा के आप गत्ते की बॉक्स की फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यह सब मशीन आपको सेकेंड हैंड में मिल जाएगा, जहाँ से आप कम पैसे में भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस 5 मशीन को लगाते हैं तो आपका खर्चा टोटल 6 लाख रुपया, और अगर सेकेंड हैंड मशीन से शुरू करते हैं तो आपका खर्चा 3 लाख रुपया आएगा। दोस्तों, यह 5 मशीन के अलावा एक और मशीन है, जो कि है डाई मशीन। दोस्तों, इसका कीमत बहुत ज़्यादा है, तो आप इस 5 मशीन को लगा के आप कंपनी शुरू कर सकते हैं और डाई का काम आप बाहर से भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये डब्बा सिल गया है टोटल। अब इसे हम दोस्तों बंडल बांध लेते हैं, उसके बाद इस तरह से गाड़ी में इसको लोड कर देते हैं। इसी तरीके का वीडियो मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। यह वीडियो कैसे लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं।